भाई साहब जब किस्मत अच्छी हो तो क्या क्या नहीं होता है। एक तो कहीं लाइट नहीं मिल रही है, खूब लाइट है और मैं लोगों के बीच में, लोग मुझे देख रहे होंगे। एक तो पहले हमने ट्रेन आज की आज ही बुक करी और बुक करते आधे घंटे में मैसेज आया कि ट्रेन 3 घंटा लेट है। हम तो आराम से बैठ गए थे पर फिर पता चला कि ट्रेन ने पिकअप कर लिया और अभी ट्रेन आधा घंटा पहले आ गई है। और पता नहीं हमारे ऑटो वाले ने कैसे एक दूसरी कार के ऊपर चढ़ा चढ़ा के हमें यहाँ पे टाइम पे पहुँचा दिया और हम पहुँचे भी उसी कोच के नीचे जहाँ पर हमें आना है B6। तो अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का और ये हमारी ट्रेन आती हुई ना मौका देखना पड़ता है, दूसरे गेट से चढ़ना पड़ रहा है। ये देखो भारतीय रेल, टाइम से स्टेशन पहुंचने का अलग स्ट्रगल है और अपनी सीट पर बैठने का अलग स्ट्रगल है जीवन में। दोस्तों मथुरा जा रहे थे, जाते जाते ट्रेन लेट हो गई, लेट होते होते बहुत ज्यादा लेट हो गई तो हमने ट्रेन छोड़ दी। तो अब हम वापस अपने अपने घर जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि यार आज की वीडियो में मथुरा जाके पोस्ट करूंगा, कुछ अलग होगा, पर मौका वारदात ही कुछ और हो गया है। जीवन में बहुत दुख है, सबसे बड़ा दुख है ट्रेन लेट होने का। अब हम कल जाएंगे मथुरा, बाकी आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाएगी। आज मेरा लगातार वीडियो अपलोड करते हुए 13वां दिन है और मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते। तो आज क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम लोग मथुरा जाने वाले थे, हम लोगों ने आज एक रील भी बनाई थी। मैंने सोचा था कि मथुरा जाकर पोस्ट करूंगा, मैं सोच रहा था कि अपनी वीडियो भी जाकर मैं मथुरा में पोस्ट करूंगा, कल से अलग अलग लोकेशन मिलेगी, पर ऐसा लग रहा है कि कल जाकर ही वहाँ पर कुछ अलग करना पड़ेगा। एक तो आज WPL का फाइनल भी चल रहा है, पहले तो दिल्ली बढ़िया खेल रही थी एकदम से, फिर पता नहीं क्या हुआ RCB के अंदर आत्मा आ गई और उन्होंने दिल्ली को 113 रन पर ऑल आउट कर दिया। वाह, पता है इस मैच के टिकट 100-100 रुपए के मिल रहे थे पर मैंने लिए नहीं क्योंकि लेट हो गए थे हम टिकट लेने में। तो बारी आती है कल से अब तक चैनल पर क्या हुआ। जैसे कि आज मेरी लगातार 13वीं वीडियो है तो कल हमारे चैनल पे थे 5105 सब्सक्राइबर्स और आज हो चुके 5114 सब्सक्राइबर्स, काफी सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं कल से। पर मैं अपने गोल से भी बहुत दूर हूँ 1 मिलियन वाले। और ऐसे व्लॉग करने में एक दिक्कत होती है, हर एक आदमी देख के जाता है कि अरे कौन है, मैंने कहीं देखा तो नहीं है ऐसे। नहीं भैया मुझे नहीं देखा है आप लोगों ने कहीं भी। थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया ट्रेन से उतरने का, पर ठीक है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी मुझे भी ये वाली वीडियो एडिट करनी है और VT स्पेस के लिए एक शॉर्ट भी बनाया था वो भी एडिट करना है। देखते हैं कल किस टाइम जाऊंगा मथुरा, पर जाके तो रहूंगा क्योंकि मुझे होली देखने की मथुरा में क्या होता है। कल असल में वहाँ पर लठमार होली होने वाली थी, वो बहुत औसम होती है, मेरा बचपन से सपना है एक तरह से देखने का कि यार क्या होता है, क्यों औरतें मारती है आदमियों को। आज नहीं तो कल मौका तो मिलेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दिल्ली से मथुरा अगर आपको जाना है तो बस में ही जाइए, आप कैब वगैरह करके भी जा सकते हो, वो भी सस्ता पड़ता है। हमारा मन था कि यार ट्रेन में जाके देखते हैं, पता नहीं क्यों क्योंकि स्टेशन थोड़ा पास पड़ रहा था हमें। तो मिलते हैं कल, बाय। ये देखो मेरे पीछे क्या चल रहा है, फाइनली RCB जीत चुकी है 16 साल के बाद और इस बंदी ने भाई साहब क्या खेलती है यार। ये लड़की बॉलिंग करती है, बैटिंग करती है, फील्डिंग करती है, हर चीज करती है ये यार। एक मैच में तो 6 विकेट लिए इसने, फिर रन भी बनाए 60-70, हद हो गई भाई, इतनी टैलेंटेड। और पता है इस बंदी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए फुटबॉल भी खेला इंटरनेशनल लेवल पे और आज भी इसी ने जिताया मैच। असल में ट्रेन छोड़ने का एक रीजन ये भी था कि अगर हम मथुरा पहुंच भी जाते 11-11:30 बजे तक तो आज वीडियो अपलोड ना हो पाती हमारी किसी की भी, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज वीडियो अपलोड करते रहना ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे लॉन्ग टाइम तक। एनीवे मिलते हैं कल। खैर मैं से अगर बात करने लगा तो बहुत सारी बातें करूंगा, आपसे मिलता हूँ कल। मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है, अभी रात के 11:30-12 बज रहे हैं यार, रात के 11 बज रहे हैं, मेरे पास बहुत कम टाइम है। ठीक है मिलते हैं कल, बाय।